तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना एमएस एक्सेल ओपन कर लिया है और एमएस एक्सेल में अगर मैं नेम पोर्शन पे जाके कोई भी एक नाम फिलअप करता हूँ तो आपने देखा ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट करता है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा नाम भरता हूँ तो भी आपने देखा ये अपने आप से ही सीरियल नंबर जनरेट कर लेता है। अगर मैं एक दो को छोड़ देता हूँ, छोड़ कर मैं आगे यहाँ पर कोई नाम भरता हूँ तो भी आप देख रहे हैं ये अपने आप से ही सीरियल नंबर जनरेट कर रहा है। हाँ, इसके बाद अगर मैं वापस से जो ब्लैंक रोज मैंने छोड़ दी थी वहाँ पर आकर अगर मैं कोई एक नाम भरता हूँ, जैसे मैं रोहन भर देता हूँ, तो आपने देखा क्या कि ऑटोमेटिक रोहन के सामने इसने तीन फिलअप कर दिया है और जो रमन था पहले तीन था अब वो चार हो गया है। तो इस तरीके से अगर आपको एमएस एक्सेल में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर्स जनरेट करने हो ताकि जैसे ही वैल्यूज भरी जाए सीरियल नंबर्स अपने आप से जनरेट होते रहे तो वो आप कैसे करेंगे, तो चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको आना है जहाँ पर मेन गेम है, क्योंकि यहाँ से हमें सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट करने हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, बाद में मैं छोटा कर दूंगा आपको दिखाने के लिए। हमारा फार्मूला रहेगा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने कहा अगर जो ये नेम वाला कॉलम यानी B2 जो सामने आ रहा है B2, अगर जो ये बड़ा है या छोटा है किससे, ब्लैंक के, मैंने कहा ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये छोटा है या बड़ा है ब्लैंक से तो क्या होगा, तो जो प्रिंट करना है आपको, तो यहाँ से मैंने काउंटा किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्या प्रिंट करेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा B2 से लेकर ये काउंट करना स्टार्ट करे और मैंने F4 कर दिया, ठीक है, और कहाँ तक काउंट करेगा, B2 तक ही। लेकिन इस बार देखो ऊपर वाला सेल मैंने लॉक कर दिया है, बी और टू को लॉक कर दिया है और नीचे ये B2 तक जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ से ब्रैकेट बंद किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा करके ब्रैकेट बंद किया। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ होगा क्या, जब आप ड्रैग करेंगे तो जो पहले वाला B2 है वो तो लॉक है, वो नहीं बदलेगा, लेकिन जो बाद वाला B2 है वो बदलता जाएगा, यानी B2, B3, B4, B5 ऐसे करके। तो जब ये काउंट करेगा तो ये काउंट करना स्टार्ट करेगा। अगर जो कंडीशन मैच होती है, यानी अगर इससे बड़ा है या छोटा है, तो वैल्यू आपकी ये प्रिंट होगी, ठीक है, और अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तो फिर ब्लैंक ही रहेगा आपका। अभी मैं आपको एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा हुआ है, लेकिन सच्चाई है यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ जितना भी चाहूँ, अब देखते हैं मैं होता क्या है। जैसे मैं यहाँ से आमिर भरता हूँ, इंटर करता हूँ, यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्लिक करके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए मैंने कहा अगर यहाँ वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, देखिए यहाँ पे B4, अगर ये वाला पोर्शन अगर खाली है तो क्या होगा, या अगर खाली नहीं है, खाली है तो सीधे यहीं पे खाली वाला प्रिंट हो जाएगा आपका, लेकिन अगर इसके बराबर नहीं है तो ये काउंट करेगा कहाँ से, बी, यानी यहाँ से काउंट करेगा B4 तक, यानी B4 तक, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज भरी होंगी उनको काउंट कर डालेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर जो मान लीजिए यहाँ पे मैंने भरा अमित, एंटर कर दिया, और मैंने सुमित भर दिया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कर क्या रहा है, ये काउंट कर रहा है इनको, सेलों को, कहाँ से, B2 से लेकर के B4 तक के सेलों को काउंट कर रहा है, B2, B3, B4, यानी सेलों को काउंट कर रहा है। जो भी काउंटिंग में जो भी भरे हुए सेल्स आते हैं वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर देता है। काउंटर फार्मूले की सहायता से हम उन सेल्स को काउंट कर सकते हैं जिन सेल्स में वैल्यूज भरी हुई हैं। अब इसमें यहाँ पे देखने में आपको लग रहा होगा सीरियल नंबर दे रहा है, बट सच्चाई ये है ये काउंट कर रहा है कि यहाँ तक आते आते कितने सेल भर गए हैं, और यहाँ तक जो भी सेल भर गए हैं वो यहाँ पे आता है। ऐसे जब अब यहाँ पे कोई वैल्यू भर देंगे तो उस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल्स को काउंट करके वो यहाँ पे भर देगा। तो इस तरीके से आप एमएस एक्सेल में ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं जितने भी चाहें। जब कोई नाम भरा जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।